वो भी नॉर्थ से है, ही इज फ्रॉम हाँ गुड़गांव हाँ एंड मैं भी नॉर्थ से, तो हमारा जो नॉर्थ में, मैं कहा अंकुर यार ये कहता, अरे यार ये तो लोग बोलते रहते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे बोलते रहते हैं यार, क्या कर रहे हैं हम ऐसा, ये तो अच्छा है, एनी टीआरपी इज अ गुड टीआरपी, बोलने दो लोगों को कि तुम दोनों का है कुछ। खुद तड़कता भड़कता सवाल पूछ लूं। पूछ लो। There was a rumor that you and Ankur were dating, ठीक है? और भी कुछ होगा ना, उन्होंने काम किया है। नहीं मुझे नहीं, आज वो क्लियर कर ही दो, क्या ही अंकुर वर्मा वाला मामला? क्लियर तो मैंने हमेशा ही किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो रूमर्स हैं तो रूमर्स ही हैं, उसमें 1% भी रियलिटी नहीं है। तो और मुझे लगता है कि आई थिंक वो भी नॉर्थ से है, ही इज फ्रॉम गुड़गांव एंड मैं भी नॉर्थ से, तो हमारा जो नॉर्थ बेल्ट वाला वो जो कनेक्शन है ना, वो बहुत जल्दी क्लिक हुआ मेरे धाकड़ और वाला। एग्जैक्टली धाकड़ वाला। तो हमारा खाना पीना, हमारा लैंग्वेज, हमारी स्लैंग, हमारा कल्चर, एवरीथिंग मैचेस। तो और ही इज अ कंप्लीट फूडी एंड आई लव फूड, बीइंग अ पंजाबी मैं तो मतलब खाना छोड़ ही नहीं सकती, डाइटिंग तो जीरो, मतलब हो ही नहीं सकती कभी मुझसे। तो वो एक कनेक्शन था कि हम मतलब बहुत एक्साइट हो जाते थे कि एक्साइटेड हो जाते थे कि हाँ अब आज ये मंगाते हैं, आज ये खाते हैं, या फिर हमारी बातें कि हाँ अच्छा वहाँ पे ऐसा बोलते हैं या ये होता है। फिर कभी भी जैसे होता है ना, आंचल और हमारे डायरेक्टर सर वो एक साइड हो जाते हैं, और मैं और अंकुर एक साइड हो जाते हैं कि नहीं भाई दिल्ली का खाना दिल्ली का खाना है, और वो नहीं भाई मुंबई का खाना मुंबई का मुंबई का खाना है, तो खाना हमारा यार। मुंबई दिल्ली वार शुरू हो जाता है। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि वो जो फ्रेंडशिप है हमारी, उसकी वजह से शायद लगता होगा। एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू कि एक साल से जो राजनीति, बिकॉज इस शो में ऐसा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तो हम दोनों का जो जो सीन्स आते थे वो बहुत ही लवी डबी एंड यू नो हस्बैंड वाइफ वाले सीन्स, तो हम बहुत कंफर्टेबल होते थे वो करने में भी, तो वे भी शायद इसलिए लगता तो होगा कभी वो। ऐसा हुआ कि जब ये रूमर्स आप लोग के सामने आए, एंड यू गाइस आर सच अ गुड फ्रेंड, तो हाँ कभी एक दूसरे के साथ बैठ के बात किया, भाई ये हाँ कब हुआ? हाँ तो हाँ क्या रिएक्शन था, किसने पहले देखा मैंने मुझसे पूछा था क्योंकि मैं कहा अंकुर यार ये कहता, अरे यार ये तो लोग बोलते रहते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे बोलते रहते हैं यार, क्या कर रहे हैं हम ऐसा, था? ठीक है। तो हम स्टोरी डाल देते हैं कभी, ठीक है, या हम कैंटीन में बैठ जाते हैं खुद ही कुछ भी खाने के लिए वो, तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए होता होगा, या फिर हम दोनों बहुत हंसते हैं। अब कैंटीन में बैठोगे और मेरे जैसे आसपास भटकेंगे तो यही एग्जैक्टली होगा अभी दो दोस्त भी कैंटीन में बैठ के खाना खा सकते हैं, ये ना। नहीं पर एक होता आपको, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये आपकी गलतफहमी है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो कभी ऐसा हुआ कि अंकुर चल आज ना अपन खत्म ही कर देते हैं रूमर को, बोलते हैं, एक पोस्ट डालते हैं, एंड जस्ट एंड इट अप? हाँ हमने राजनीति हैशटैग डालना भी छोड़ दिया यार। क्या बात कर रहे हाँ हो? हम अपनी फोटो डालते हैं, हम राजनीति हैशटैग नहीं डालते हैं, हम कहते हैं बोलने दो लोगों को, ठीक है। पर फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर तो फिर और लगेगा लोगों को, हमें राजनीति हैशटैग तो डालना चाहिए कि डालना हम चाहिए। अपनी जोड़ी को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं करें। कहता नहीं तभी तो, कि मतलब हम फ्रेंड्स हैं ना, हम अपने उसको नहीं प्रमोट कर रहे, हम अपनी फ्रेंडशिप को प्रमोट कर रहे हैं। कहा वो तो अलग ही, वो अलग ही टेंशन पे रहता है, वो उसको इस चीज से फर्क पड़ता नहीं नहीं है पड़ता, वैसे हम शायद। दिल्ली के लौंडों को नहीं पड़ता है, हाँ हमें शायद, नहीं पर मुझे मुझे पड़ता पड़ जाता है ना थोड़ा सा। क्योंकि कुछ है नहीं तो फिर हमें तो फर्क उल्टा मजा पड़ता आता है। एग्जैक्टली लड़कों को मजा आता है, लड़कियों को कोई मजा नहीं आता टू बी यू नो ऐसा किसी के साथ लिंकअप होना, मतलब अगर कुछ है तो फिर भी आप छुपाते हो या कुछ कमेंट नहीं करते, पर कुछ नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर आगे लड़कियों को ही प्रॉब्लम होती है, आगे लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं फैमिली है, तक उनको गई तो ही ये बड़ी बात। खुशी होती है कि हाँ हमारे साथ इतने सारे लिंकअप की स्टोरीज थी हमारी, इसके साथ भी उसके साथ भी उसके, लड़कियों का डिफरेंट होता है थोड़ा। फैमिली तक गई ही ये बात, कभी फैमिली ने रिएक्ट किया, एक मिनट ये सच में है तन्वी, ऐसा कभी हुआ है? ये मेरे साथ जीजीवा में हुआ था, इसमें तो किसी ने ध्यान ही नहीं, मेरे पापा बहुत कूल हैं, उनको नहीं फर्क पड़ा, एक मिनट, इसमें जीजीवा जीजीवा में में भी आपका फर्क नाम पड़ा। लिंकअप हुआ था? हाँ किसके साथ?
दिशांग के साथ. Oh God, then how did you handle it? तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गया था. और मैं बहुत रोई थी, आई रिमेम्बर. और मुझे जब फ़ोन आया, मेरे ऐसे से हाथ भी कांप रहे थे. एंड देन दिशांक मेड मी अंडरस्टूड कि भाई ये हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा प्रोफेशन है. अगर हम लीड्स प्ले कर रहे हैं तो वो होगा ही, ठीक है. सो इतना दिल पे मत लो इसको. और फिर हमारे जो बोल दो कि हमारे जो राजीव सर है, राजीव पॉल, वो हमारे मेरे ससुर जी बनते थे. तो उन्होंने बोला कि दिस इज सो गुड, ये तो अच्छा है. एनी टीआरपी इज अ गुड टीआरपी. बोलने दो लोगों को कि तुम दोनों का है कुछ. और मैं ऐसी थी, सर कहते नहीं नहीं जब तक शो चल रहा है तब तक बोलने दो. मैंने कहा अरे क्यों बोलने दो मैं शो के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा. हाँ नहीं, ही वाज लाइक कि अच्छा होता है अगर अगर ऑफ स्क्रीन भी अगर कपल डेट कर रहा है, और ऑन स्क्रीन तो वो है ही, तो लोगों को और अच्छा लगता है. लाइक दे आर मोर इंटरेस्टेड. सबसे ज्यादा किन्नरी मैम को अच्छा लगता होगा उस वक्त. हाँ वो तो बोलते थे कि ये दोनों हमें अभी बता नहीं रहे हैं. एंड वन डे दे विल कम अप विद वेडिंग कार्ड्स कि चलो हम शादी कर रहे हैं. मतलब हम ऐसे छुपा रहे हैं, बट उसके बाद फिर हम खुद ही आएंगे कि हाँ हमारी शादी हो रही है.